नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे, चाइना ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है और यह इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, अंतर महाद्वीपीय मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल है, जो चाइना पहली बार इसकी सार्वजनिक घोषणा किया है। चाइना के इतिहास में ये पहली बार है कि जब चाइना इसका सार्वजनिक जानकारी दी है, और पहले जब भी चाइना इसका कभी भी अपने मिसाइलों को लेकर जो परीक्षण किया करता था उसे कभी भी सार्वजनिक नहीं करता था, ये चीन का इतिहास था। लेकिन आधुनिक समय के हिसाब से चाइना में ये परिवर्तन आ रहा है। पता नहीं चाइना दुनिया को अपनी ताकत दिखाने में लगा है या किसके चलते चाइना पहली बार इसे सार्वजनिक किया है। जो चीन की सेना पीएलए की रॉकेट फोर्स देश की पारंपरिक और परमाणु मिसाइलों के संचालन की देखरेख करती है। इस रॉकेट फोर्स को चीन की परमाणु ताकतों को आधुनिक बनाने का काम सौंपा गया है, ताकि अमेरिकी मिसाइल रक्षा, बेहतर निगरानी क्षमता और मजबूत गठबंधन का मुकाबला किया जाए, अमेरिका को टक्कर दिया जा सके, ऐसा चाइना का मानना है। तो इस हिसाब से ये जो मिसाइल है, मिसाइल चीन पहली बार, आप लोग जानते हैं, पहली बार सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार करता है, और उसने प्रशांत महासागर में एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने के अनुसार अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल में एक डमी वारहेड लगाया गया है, और इसे स्थानीय समयानुसार सुबह 8:44 बजे पीपल्स रिवोल्यूशन आर्मी की रॉकेट फोर्स द्वारा लॉन्च किया गया है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स के तौर पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी की रॉकेट फोर्स द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, और साथ में यह मिसाइल अपेक्षित जगह पर समुद्र में गिरी है। चीन का मानना है यह परीक्षण उसके सालाना परीक्षण योजना का हिस्सा है, और यह देश किसी देश को लक्षित करने के लिए नहीं किया गया था। चाइना कहना है किसी भी देश के खिलाफ लक्षित करने के लिए नहीं बनाया गया है, यह इसके परीक्षण का एक योजना का हिस्सा है, ऐसा चीन का मानना है। चीन का मानना है कि यह इसके योजना का एक हिस्सा है और यह किसी देश को लक्षित करने का नहीं दिया गया था। साथ में जो पीएलए की रॉकेट फोर्स ने जब परीक्षण किया कि पीएलए ने पहले ही परीक्षण के बारे में संबंधित देशों को सूचित कर दिया था, और रिपोर्ट्स में मिसाइल के मार्ग और प्रशांत महासागर में वह कहां गिरी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। चीन की सेना पीएलए की रॉकेट फोर्स देश की पारंपरिक और परमाणु मिसाइलों के संचालन की देखरेख करती है, और इस रॉकेट फोर्स को चीन की परमाणु ताकतों की आधुनिक बनाने का काम सौंपा गया है, ताकि अमेरिकी मिसाइल रक्षा, बेहतर निगरानी और क्षमता और मजबूत गठबंधन का मुकाबला किया जा सके। और कुछ देखा जाए, कुछ लोगों का मानना है कि चीन तेजी से अपने परमाणु हथियारों का जो इसका जखीरा है बढ़ाने में जुटा हुआ है। हालांकि चीन का कहना है कि पहले इस्तेमाल नहीं की नीति का पालन करता है, पहले इस्तेमाल नहीं की नीति का पालन करता है, ऐसा चाइना कहता है। कि जैसे भारत में भी ऐसे जो भारत की जो नीति है, कभी भी भारत परमाणु हमला किसी भी देश पर नहीं करेगा, ऐसे चीन कहता है कि वह इस्तेमाल नहीं की नीति का पालन करता है। और जो पीएलए की रॉकेट फोर्स ने पहले भी प्रशांत महासागर से जितने भी जो देश हैं उन्हें पहले भी सूचित कर दिया गया था, ऐसा चीनी मीडिया के रिपोर्ट्स में कहा गया है। अब देखने वाली बात यह है इसकी जो ताकतें हैं किस हिसाब से, और इसका साथ में जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता वाले केंद्रीय सैन्य आयोग की एक मात्र परमाणु कमान प्राधिकरण है, अमेरिका द्वारा चीन के परमाणु हथियारों को बढ़ाने की लगातार आलोचना की जाती रही है। चीन ने जुलाई में वाशिंगटन के साथ परमाणु वार्ता को भी रद्द कर दिया था, और चीन ने अमेरिका द्वारा ताइवान को हथियारों की बिक्री पर नाराजगी जताई थी, और पेंटागन की रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के पास 500 से ज्यादा परमाणु हथियार है, जिनमें से लगभग 350 ICBM हैं, और संभवतः 2030 तक चीन के पास 1000 से अधिक परमाणु हथियार होगा। और वहीं चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। पिछले 5 वर्षों के दौरान हम बात करें तो जो गतिविधियां ताइवान के आसपास बढ़ी है, जिससे तनाव बढ़ गया है। आप लोग देख सकते हैं चाइना का लक्ष्य यह है 2030 तक चीन के पास 1000 परमाणु हथियार हो सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इस समय सबसे ज्यादा रूस और अमेरिका के पास है, साथ में जो चीन के पास अभी 500 से ज्यादा परमाणु हथियार है, जिनमें से लगभग 350 ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं, और संभवतः 2030 तक चीन के पास 1000 से अधिक परमाणु हथियार हो सकता है।
इस हिसाब से हम बात करें, चाइना लगातार अपने मिसाइल खेमा को बढ़ाते जा रहा है और साथ में चाइना ने इसका फीचर शो नहीं किया है, कितना रेंज है आप लोग कभी भी देख पाएंगे तो विकिपीडिया इसका मिलेगा नहीं इस मिसाइल के बारे में, वह सिर्फ संक्षिप्त जानकारी देता है। जो चाइना की जितनी सारी मिसाइलें हैं उसकी जानकारियां बहुत ही कम ही रहती है। उस हिसाब से यह चाइना लगातार अपना जखीरा बढ़ाने में लगा हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि हम एक स्टूडेंट के नाते वीडियो बनाते हैं, आपस में चर्चा करते हैं एक वर्ल्ड करंट अफेयर्स के तौर पे। तो आप लोग भी हमसे जुड़े रहें, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं जो कि इस मिसाइल से संबंधित हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से इस प्रकार की पिक्चर्स हमने ला दिया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।